सब्सक्राइब कर लो टेक्निकल असिस चैनल को और हिला दो इस घंटे को ताकि आप देख पाएं टेक वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर है व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप तो आप जरूर काम में लेते ही होंगे और उसके कई सारे फीचर्स तो आप देखते ही होंगे कि उस पर अब जो कॉल का फीचर्स आ गया है। लेकिन आप जो किसी को मैसेज कर देते हैं गलती से या कोई इलीगल मैसेज किसी के पास पहुंच जाता है तो उसे क्या आप डिलीट कर सकते हैं? तो ये व्हाट्सएप में फीचर्स आ चुका है क्योंकि आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि मैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ आशीष, आप देख रहे हैं टेक्निकल आशीष। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ व्हाट्सएप की, जो इंडिया में सबसे पॉपुलर ऐप है जिसे हर किसी के फ़ोन में इंस्टॉल मिल सकता है। आप किसी का भी फ़ोन उठा लीजिए उसमें व्हाट्सएप जरूर मिलेगा और व्हाट्सएप सिर्फ लोग यूज़ करते हैं वीडियो कॉलिंग के लिए, वॉइस कॉलिंग के लिए और फिर चैटिंग के लिए, फ़ोटो शेयरिंग, मीडिया शेयरिंग, सॉन्ग शेयरिंग वगैरह वगैरह के लिए शेयर करते हैं। लेकिन जो आप शेयर करते करते या चैटिंग करते करते कुछ आपसे मैसेज गलत भी लिख जाता है, गलत टाइप हो जाता है या फिर किसी को इलीगली पहुँच जाता है दूसरे के पास, तो वो आप कैसे डिलीट कर सकते हैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ने दे दी गई है कि जो भी अब न्यू यूज़र होगा व्हाट्सएप का, जैसे व्हाट्सएप का जो नया बीटा वर्जन आने वाला है वो एंड्रॉयड के लिए भी है, विंडो के लिए भी है और iOS यानी एप्पल के फ़ोन्स के लिए भी है। ये तीनों के लिए फॉर जो फीचर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है और बताया रहा है कि अब जो भी मैसेज डिलीट होगा यानी कि मतलब जो भेजा जाएगा किसी के द्वारा मैसेज, तो वहाँ पर लिख जाएगा डिलीट फॉर एवरीवन। अगर आपको मैसेज डिलीट करना हो तो उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक लिमिट है, अगर आपने 7 मिनट के अंदर ये मैसेज डिलीट कर दिया तो वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर उसने जिसे आप मैसेज भेजा है उसने अगर ब्लू टिक देख लिया या वो मैसेज पढ़ लिया फिर भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन वो मैसेज तो पढ़ ही चुका है। इससे ये फ़ायदा है कि अपन लोग जो भी फालतू मैसेज भेज देते थे कोई अपन को, तो वो अब धोखे से चला जाता था या उसकी गलती होती थी किसी भी तरह, तो वो उसे डिलीट कर सकता है। यही व्हाट्सएप ने बहुत दिनों से ये फीचर्स चल रहा था कि कब आएगा व्हाट्सएप में ये फीचर्स कब आएगा, तो व्हाट्सएप ने प्रस्तुत कर दिया अपने ये फीचर जिसको आप बीटा वर्जन से यूज़ कर सकते हैं या फिर। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे पास बीटा वर्जन है और आपके पास पुराना ओल्डेस्ट व्हाट्सएप है तो फिर वो नहीं होगा। अगर व्हाट्सएप की एक कंडीशन है, दोनों यूज़र्स के पास बीटा वर्जन होना चाहिए, बीटा वर्जन यानी कि जो लेटेस्ट वर्जन आएगा व्हाट्सएप का वो होना चाहिए, तभी उसी के साथ ये हो सकता है। और व्हाट्सएप का एक और फंक्शन ये आया है कि आप सिर्फ मैसेज ही उसमें नहीं डिलीट कर सकते हैं, आप उसमें फ़ोटोज़ भी डिलीट कर सकते हैं, फाइल्स भी डिलीट कर सकते हैं, PDF भी डिलीट कर सकते हैं, सॉन्ग्स भी डिलीट कर सकते हैं और वॉइस रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हैं। जो भी आप भेजेंगे वो भी डिलीट कर सकते हैं। ये लिमिट ये नहीं है कि सिर्फ आपके मैसेजेस ही डिलीट होंगे या फिर आपका कोई टाइपिंग ही डिलीट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो भी आप शेयर करेंगे उसे 7 मिनट के अंदर डिलीट कर दिया जाएगा। अगर सामने वाले ने आपके मैसेज पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो भी अच्छी बात है, अगर आप उसे डिलीट कर सकते हैं 7 मिनट के अंदर। लेकिन 7 मिनट के बाद भी उसे डिलीट किया जा सकता है, जब उस पर डिलीट करेंगे तो उस पर लिख कर आ जाएगा डिलीट फॉर एवरीवन। अगर आप ये सोचते हैं कि डिलीट फॉर एवरीवन क्या होता है, वो मतलब आपकी स्क्रीन से भी वो मैसेज चला जाएगा और उसकी स्क्रीन से भी यानी चैट से वो मैसेज चला जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है, और डिलीट फॉर मी भी होता है, अगर आपने कोई मैसेज गलती से भेज दिया है किसी के पास तो आप उसे डिलीट करते हैं तो दो ऑप्शन आते हैं, डिलीट फॉर मी, अगर आप डिलीट फॉर मी करते हैं तो आपकी चैट से वो मैसेज चला जाएगा लेकिन जो जिसे आप भेजा है उसमें आपने तो उसकी चैट से वो मैसेज नहीं जाने वाला है। यही थी पूरी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के बारे में जो कि लेटेस्ट थी और बहुत ज़रूरी थी आप लोगों को जानना कि ये क्या है और कैसे काम करेगा। ये वर्जन सिर्फ बीटा वर्जन में ही होगा, ये फीचर्स व्हाट्सएप के सारे यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं, सारों को ये परमिशन दे दी गई है। और आप भी जाइए प्ले स्टोर पर कर लीजिए बीटा वर्जन डाउनलोड व्हाट्सएप का न्यू और देखते हैं क्या होता है व्हाट्सएप में, ये नया फीचर्स लाता है और क्या कमाल करता है हमारे लिए ये व्हाट्सएप। और लगता है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी व्हाट्सएप के बारे में। अगर आपको इस वीडियो में कोई सवाल या सुझाव हो मेरे से तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंडों तक पहुँचा दीजिए क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें छुपी हुई थी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नहीं किया हो तो कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।